कानपुर में केस्को के घटिया उपकरणों और तारों ने दो लोगों के साथ आठ मवेशियों की जान ले ली। नौबस्ता इलाके में हाईवे किनारे बने भैंस के तबेले पर हाई टेंशन लाइन का तार टूटकर गिर गया, जिसमें आठ भैंसों की मौत हो गई। 12 बजे हाई टेंशन की लाइन टूटने से और ये भैंसों के ऊपर जो लाइन पड़ी है, इसमें आठ भैंस मर गए इसमें, जिससे उसका जो भैंस मालिक था मेरा, रिश्तेदार, उन्हें सूचना देने पे कोई बेचारे अपना वापस आ रहे थे, चौटागढ़ के पास एक डंपर से उसकी छूना एक्सीडेंट हो गया, इनसे उनसे दोनों की मौत हो गई। साले भैंस भैंसों की मौत की जानकारी मिलते ही भैंसों के मालिक अपने साले के साथ घटना स्थल की तरफ दौड़ा, लेकिन जल्दबाजी में बाइक ट्रक से जा भिड़ी और दोनों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं जब इस बाबत अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। यशोदा नगर चौकी क्षेत्र में एक शिवकरण यादव हैं, जिनकी सात भैंसे और एक भैंस का बच्चा ये बिजली की चपेट में आने से इनकी मौत हो गई है। और आज बताते हैं कि जब उनके छोटे भाई को फतेहपुर में जो था उसको सूचना मिली तो वो अपने साले के साथ आ रहा था वापस, बिंदकी के आसपास कहीं बिंदकी क्षेत्र में उनका एक्सीडेंट हुआ है, जिससे उनकी दोनों की। लोगों का मानना है कि केस्को की लापरवाही की वजह से हादसा हुआ है, लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए कानपुर से अमरीश त्रिपाठी की रिपोर्ट।